अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। टुडे लेट्स लर्न अ न्यू चैप्टर 7 परसेंटेज। स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। पर मीन्स पर हंड्रेड और फॉर एवरी हंड्रेड, ये हर 100 में से जो हम लेते हैं वो कहलाता है पर। एंड सेंड मीन्स 100 और सेंड जो है वो सेंचुरी से निकला है और आपको पता है कि सेंचुरी जो है वो 100 कहते हैं। द साइन ऑफ परसेंटेज इज लाइक दिस। व्हेन अ फ्रैक्शन इज रिटन विद 100 एज द डिनोमिनेटर वी कॉल इट अ परसेंटेज। जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं और इसका डिनोमिनेटर 100 हो तो वो हमारी फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज कहलाती है, यानी इस फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो 26% है। परसेंट इज द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। वी यूज परसेंटेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ नंबर। नाउ लुक, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये स्क्वायर के 100 पार्ट्स हैं और ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1/100। आउट ऑफ दीज 100 स्क्वायर 30 स्क्वायर्स आर ऑरेंज। सो वी टेक 30 स्क्वायर फ्रॉम दिस 100 पार्ट्स। नाउ द फ्रैक्शन इज 30/100 या 30/100 और 30%, यानी हमने इसमें से जो 30 पार्ट्स लिए हैं वो हमारा 100 में से वो 30% है। एंड 16 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 आर ग्रीन। अब इस 100 में से हमने जो 16 स्क्वायर लिए हैं वो हमारे 16% है, यानी 16/100 या 16/100। नाउ 24 स्क्वायर आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स आर येलो। अब हमने 24 स्क्वायर जो लिए हैं वो येलो कलर के हैं और उसकी परसेंटेज बनेगी हमारी 24% या आउट ऑफ 24 या 24/100। हमने 100 में से 24 पार्ट लिए। वी नो दैट द परसेंटेज इज द नंबर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। अभी मैं आपको बताया कि फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वो परसेंटेज कहलाती है। नाउ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करें तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 1s are 2 एंड 2 50s are 100, 50 1s are 15, सो परसेंटेज इज 50%। और नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1s are 4 एंड 4 25s are 100, 25 3s are 75%। इस तरह आप एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं, जैसे आपने मैथ्स में मार्क्स गेन किए 90/100, तो ये आपकी 90% है। और जब आप तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स गेन करते हैं तो आपका टोटल आता है 900 में से आपने 729 मार्क्स गेन किए। अब आपको इसकी परसेंटेज मालूम करनी है कि हाउ परसेंटेज इज यू, सो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 100 1s are 100 एंड 100 9s are 900, 9 1s are 9, 9 8s are 72 एंड 9 1s are 9। इट्स मीन यू गेन 81%। आपने 81% गेन की है। तो इस तरह हम अपनी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं और परसेंटेज मालूम करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना हो तो वी डिवाइड द 100, डिवाइड बाय द 100। नाउ 5% 5/100, 5 1s are 5 एंड 5 20s are 100, सो द फ्रैक्शन इज 1/20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल डिवाइडेड बाय 100। और जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना हो और फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना हो तो जब भी हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं। नाउ 5%
5 upon 100, 5 ones are 5, and 5 twenties are 100, 1 upon 20. This is the fraction. ये हमें fraction मिली. अब now change this fraction into decimal. We divide it. 10 is the dividend and 20 is the divisor. We take point and take zero. अब 10 number 26 छोटा है. Now we take another zero and take 10 to quotient. And 25s are 100. So the decimal fraction is 0.05. Now another question is 125%. अब 125% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 125 upon 100. अब क्योंकि 100 है आपके पास और आप इसको राइट से लेफ्ट में पॉइंट लगा सकते हैं. वी टेक 20. सो 1 2 आफ्टर टू नंबर्स वी टेक द पॉइंट 1.25 आंसर. तो इस तरह हमने जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया एंड व्हेन वी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वी डिवाइड बाय द 100 एंड कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड डेसिमल डिवाइड बाय द 100 एंड वी टेक द डेसिमल पॉइंट. नाउ स्टूडेंट डू चैप्टर 7 परसेंटेज एक्सरसाइज 7.1 इन योर कॉपी. 7.1 क्वेश्चन ए कंप्लीट द फॉलोइंग. 5% मीन्स 5 out of 100 और 5 upon 100. 12% मीन्स 12 out of 100 और 12 upon 100. यानी हमने 100 में से 12 लिया. आप 100 में जो पार्ट ले रहे हैं वो आपका परसेंटेज है. 36% मीन्स 36 out of 100 और 36 upon 100. 60% मीन्स 60 out of 100 और 60 upon 100. 100% मीन्स 100 out of 100 और 100 upon 100. पार्ट बी क्वेश्चन बी इज राइट एज फ्रैक्शन और परसेंटेज. यानी आपको इसकी फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों बतानी है. 6 out of 100 मीन्स 6 upon 100 और 6%. 42 out of 100 42 upon 100 and 42%. 50 out of 100 50 upon 100 50%. 65 out of 100 65 upon 100 means 65%. 75 out of 100 75 upon 100 means 75%. 98 out of 100 98 upon 100 means 98%. Okay student, do exercise 7.1 question A and B in your copy and I will explain exercise 7.2 in our next video. Thank you. Allah Hafiz.